हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल VGFX पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक साथ सारे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ये कंडीशन सिर्फ अप्लाई होगी आपकी सॉलिड कलर पे, यानी कि जैसे कि आपका ब्लैक सॉलिड कलर हो, वाइट सॉलिड कलर हो या ग्रीन सॉलिड कलर हो। अगर आप किसी भी और दूसरे बैकग्राउंड पर इसको अप्लाई करते हैं तो शायद ऐसा ना हो सके और आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े। तो आइए देखते हैं हम। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा टूल होता है, वेजिक वैन टूल, जो ये होता है। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना होता है। ये मैजिक वैन टूल के थ्रू, डब्लू के थ्रू भी आप इसको इस पे कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो इसमें टूल रेंज होती है। जो टॉलरेंस होती है, यहाँ से आप इसकी टॉलरेंस ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी टॉलरेंस अगर मैं 25 कर देता हूँ, ये देखिए, तो थोड़ा सा एरिया कहीं पे शायद हमारा टूट गया है। ये देखिए यहाँ पे। और अगर मैं इसको 32 कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 35 कर रहा हूँ मैं इसको, और इसको मैं ले लेते हैं जूम आउट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करना है, और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया, ये इस तरह से, है ना। यहाँ से मैं इसको नीचे वाला पोर्शन जो ओपन हुआ रखा था उसको बंद कर दिया मैंने, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब ये रह गया हमारा छोटा सा, ये एरिया रह गया है ना। इसको भी हमने क्या करना है, सिलेक्ट के साथ में शिफ्ट प्रेस करना है और दबा के नॉर्मली इसको सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, या तो आप राइट क्लिक करके इन्वर्स कमांड के थ्रू, इन्वर्ट कमांड होती है, इन्वर्स कमांड के थ्रू आप इसको ऐसे ले सकते हैं। ये देखिए, राइट क्लिक कीजिए और सिलेक्ट टू इन्वर्स कर लीजिए। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे फेदर दे देना है, ताकि अगर इसमें दो का टू का फेदर हम दे देते हैं तो उससे हमारा क्या होगा कि फेदर के टाइम पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि जो इसके एजेस हैं, ये कॉर्नर्स जो आपके होते हैं, वो ठीक रहेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको करता हूँ F7, प्रेस कीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब तक आपका ये रहता है, यानी कि बैकग्राउंड, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना होता है और जीरो करके ओके कर दीजिए। ये देखिए, ये मैंने जीरो कर दिया है। अब हम इसमें ओके कर लेते हैं और सिंपली हमें करना है कॉपी, और देन कर देना है कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। ये देखिए, सिंपली देखिए आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड एज इट इज निकल गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपका ये लगा देता हूँ, एक और लेयर मैं क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि कहीं पे हमने पूरा का पूरा ये उठा लिया है, और यहाँ से आपका ये बैकग्राउंड भी ख़त्म हो गया है। तो इस तरह जो ना, आप किसी भी उसको यहाँ पे आप कलर चाहें इसमें ग्रीन डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने ग्रीन डाल दिया कलर। अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे तरीके से आपने एक ही मिनट में इसको काट दिया है। तो इस तरह आप सारे बैकग्राउंड को एक साथ जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, और सिर्फ मैजिक वैन टूल के द्वारा। मैजिक वैन टूल ऐसा होता है कि दोस्तों, ये सॉलिड कलर पे बहुत अच्छा काम करता है और हमेशा आपके के काम में यूज होता है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा और नई चीज़ों के बारे में, जैसे जैसे मैं काम करता रहूंगा दोस्तों, आपको बताता रहूंगा, कि ताकि आपको भी जानकारी रहे और छोटी छोटी चीज़ों का आप लाभ उठा सकें। तो दोस्तों सब्सक्राइब तो दोस्तों आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल ऑल VGFX को। जय हिंद, जय भारत।